ये था वो बोट जिससे हम घूम के आए अभी। अभी इसका पानी खाली किया जा रहा था, इसमें पानी भर गया था थोड़ा, और अभी बाकी लोग भी जा रहे हैं बोटिंग करने। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटीज़ व्लॉग में, और मैं आज आया हूँ वारी डैम, जो कि एक भैया है प्रमोद धुआरे, उनको घुमाने के लिए। तो ये है वारी डैम, और अभी हम जाएंगे यहाँ इसमें बोटिंग करने। आपको दिखाते हैं यहाँ का बोटिंग में और किस प्रकार का है ये वारी डैम। तो हम लोग अब बोट में बैठ चुके हैं और भैया चला रहे हैं नाव। इतना सुंदर नज़ारा दिख भी रहा है, बहुत ही सुंदर, और भैया भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने में लगे हुए हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। तो इसमें अभी 40 फीट पानी है वारी डैम में, और ये जो फैला हुआ है एरिया इसका है 11,000 एकड़ में पूरा फैला हुआ है एरिया। अब देख रहे होंगे कितना पानी है इसमें, अभी पूरा नीला नीला पानी बहुत दूर तक, और आगे पे कोहरा छाया हुआ है इसलिए आगे की पहाड़ आपको दिख नहीं रही है, धुंध दिख रहा है पूरा। और वो आगे पे जो आपको दिख रहा है वो है मंदिर, पांडुपाट देवी मंदिर, उसका व्लॉग भी मैं पहले डाल चुका हूँ। और ये प्रमोद भी आए हुए हैं अभी नागपुर से स्पेशल पांडुपाट मंदिर देखने के लिए। पांडुपाट मंदिर देखने के लिए और लांजी के जितने भी फेमस जगह है, पर्यटन स्थल और फेमस मंदिर देखने के लिए। और आज कोहरा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा धुंध दिख रहा हुआ है चारों तरफ पहाड़ों में, क्योंकि जंगल है आगे इस कारण। और यहाँ पे बोटिंग में एक पर्सन से 30 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से लगता है जब बोट में बाहर से देखा जाए तो बोट कितनी छोटी सी दिखती है, बहुत ही छोटी। और ये डैम बहुत ही बड़ा होने के कारण इसमें चारों तरफ नीला ही नीला पानी नज़र आता है, और आपको दिख रहा होगा कितनी सारी धुंध छाई हुई है ओस के कारण, ये जो कोहरा छाया हुआ है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये नज़ारा, बादल और ओस एक समान कलर में दिख रहे हैं। और एक काका जी चला रहे हैं चप्पू। और ये है आगे माता पांडुपाट देवी का मंदिर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है हमारे बालाघाट क्षेत्र में। एक राउंड ऐसा हो चुका है घूम के, अब हम लोग जा रहे हैं बस पास में पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड ये था वारी डैम, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, जो कि बालाघाट से मात्र 75 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पे एक प्यारा मंदिर भी है पांडुपाट देवी मंदिर, जो कि आप यहाँ पे नवरात्रि में आओगे तो आपको ये डोंगरगढ़ से भी ज़्यादा फेमस लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ये जगह में आप आइएगा जरूर घूमने के लिए। तो फाइनली मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में।